खड़े हैं मकराना विश्वविख्यात मार्बल मंडी में। आइए हम जानते हैं यहाँ के राजनीतिक हालात, किस दल में कितना है दम, जनप्रिय कौन है नेता, किसकी बनेगी सरकार। मकराना की आन बान और शान, रूपाराम मुरावतिया, जन जन के चहते रूपाराम मुरावतिया। राजस्थान के मार्बल उद्योग को विश्व पटल पर छाती दिलाने वाले मकराना के रूपाराम मुरावतिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी से प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के जाकिर हुसैन जैसावत तो बीजेपी के रूपाराम मुरावतिया दमखम के साथ चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। न्यूज मीडिया की टीम ने मकराना पहुंचकर सबसे पहले आम मतदाताओं की विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उनकी नब्ज टटोली। हमने जाना यहाँ के व्यापारियों का हाल सुनी। यहाँ की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, मार्बल मंडी में बहुत दिक्कत आती है। जो हर व्यवस्थित आदमी बेरोजगार की तरफ हो रहा है, हर व्यवस्था बिल्कुल डाउन है। मार्बल मंडी है बिल्कुल डाउन है साहब, बिल्कुल व्यवस्था गड़बड़ है। ना तो कोई यहाँ मंडी है, ना और कोई राज्य सरकार द्वारा कुछ की हुई है। यहाँ की समस्या सड़क सीवरेज की, यहाँ पे सड़कें फूटी हुई है, टूटी हुई है। कोई भी एमएलए आता है यहाँ नीचे गर्दन करके चला जाता है, यहाँ सड़कों पे ध्यान नहीं देते हैं। आपके पसंद कौन नेता है, जैसे कांग्रेस का लड़का है या बीजेपी? जो भी हमें यहाँ का उद्धार करेगा वही हमारे एमएलए बनेंगे। राजस्थान के मकराना में मार्बल उद्योग के विकास के लिए प्रतिबद्ध रूपाराम मुरावतिया मकराना के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। रूपाराम के प्रवक्ता और छोटे भाई चेलाराम मुरावतिया ने न्यूज मीडिया टुडे संवाददाता एसएन विवेक से मकराना के विकास पर विशेष बातचीत भी की। चेलाराम मुरावतिया मकराना विधानसभा क्षेत्र से, मकराना के उम्मीदवार रूपाराम मुरावतिया का छोटा भाई। मोटा मोटी हम फार्म भरने के बाद में दिन रात सारी टीम लगी हुई है, मेहनत कर रहे हैं और भगवान की दया से हम आराम से अच्छे वोटों से विजय होंगे। आप क्या 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 मुद्दे लेके चुनाव में होते हैं? हमारा मेन मुद्दा है मार्बल संबंधी उद्योग का, मार्बल की माइंस व यहाँ का विकास। विकास में वैसे कोई कमी नहीं है, पानी भी आ गया है, लेकिन पानी गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य रहेगा। चेलाराम मुरावतिया का कहना है कि एमएलए बनने के बाद रूपाराम मकराना के रेल विकास के लिए भी कार्य करेंगे। और कोई विकास संदर्भ रेलवे संबंधी? रेलवे का यहाँ से वैसे सैंक्शन तो दे दी है, पर्वत स्तर से किशनगढ़ जोड़ना हमारा लक्ष्य रहेगा। किशनगढ़ से पर्वत स्तर और मकराना से डीडोना जोड़ने का, जो हम संसद तक आवाज पहुंचाएंगे। हमने देखा है, वो सुना है, वो जाना है कि रूपाराम जी बिना विधायक के भी जन जन के काम निस्वार्थ करते थे। अब देखना ये है कि विधायक बनने के बाद वो कितना विकास करते हैं।